का टेट सुपर टेट जो है 2019 पेपर हुआ। उम्मीद है कि पेपर सबका अच्छा हुआ होगा। पेपर अगर जो मेरे पास आया हुआ है इस पे हम देख रहे हैं कि पेपर का एक स्टैंडर्ड था, अच्छा था। जीएस पोर्शन इसमें ज्यादा है और पेपर अच्छा है। साइंस पोर्शन में हम देखते हैं मुख्यतः हम साइंस के हैं, बायो के हैं टीचर, तो साइंस का पोर्शन कम है। इस पे जो हम कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देंगे जो सही है, जरा देखिए आप लोग। इसमें एक क्वेश्चन आया है 1 माइक्रॉन इज, ठीक है ना, तो 1 माइक्रॉन इज का आंसर होगा 10^-6 m। दूसरा इस पे क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक जोन, वातावरण एटमॉस्फेरिक जोन इन विच ओजोन लेयर इज लाइज इज कार्ड, या वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, यह है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेरेकल आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच में स्पेरेकल्स पाए जा रहे हैं। अगला आंसर है अगला क्वेश्चन इसमें है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से रतौधी रोग होता है, तो सभी लोग जान रहे हैं रतौधी रोग किसे हो रहा है, विटामिन ए से, ठीक है। अगला अगर इसमें देखें अगला जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था या थीम क्या था, तो थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ठीक है ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 17 अगला जो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट, बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो बिट क्या है, एक बाइनरी डिजिट है, ठीक। अगला हम देखते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में स्थापित होना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के विकास को कौन प्रभावित करता है, तो इसमें है अंतःस्रावी ग्रंथि, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी, तो सभी चीजें प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं साइंस का पोर्शन जो है पार्ट है या बायो का जो पार्ट है, बायो का पार्ट मेनली बायो का पार्ट बहुत थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन एवरेज ठीक है, पेपर अच्छा आया है और जीएस का पोर्शन करंट का जो देखा जाए वो भी ठीक ठाक है, अच्छा पेपर है, बैलेंस पेपर है। जो बच्चे लगे होंगे कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो जरूर सफल होंगे, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।